हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फिल्म मेकर में। मैं हूं परवेज, आपके साथ एक बार फिर। सबसे पहले तो तहे दिल से माफ़ी कि मैंने 2 महीने से कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी था, इसलिए ये काम नहीं कर पाया। एक्चुअली शूट्स चल रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट एडिट्स थे जिनकी डेडलाइंस थी, तो वही ख़त्म करते करते 2 महीना निकल गया। लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म करके मैं आपके सामने हूँ, और हमने जो चीज़ साथ में मिलकर शुरू की थी उसे सही तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट एक इंट्रो हो जाए। हाँ, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं पहले, ठीक है? चलिए। तो दोस्तों, लास्ट हमने साथ में चैप्टर 5 किया था, जिसमें हमने प्रॉक्सी एडिटिंग के बारे में जाना था कि 4K फुटेज को इजीली एडिट कैसे करें। और आज चैप्टर 6 में हम एक ब्रांड फिल्म एडिट करेंगे। हालांकि वो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन मैंने उसको एडिट कैसे किया है ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें अपने एडिट्स पर। शुरुआत करते हैं ब्रांड फिल्म से। तो ये तो वो प्रोजेक्ट है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, तो चलिए हमारा वो प्रोजेक्ट खोलते हैं जिसकी बात हम कर रहे थे, विच इज़ टाइटन। खुल गया। तो चलिए पहले फिल्म देखते हैं, ज्यादा देर की नहीं है, 57 सेकंड की फिल्म है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल टाइमलाइन है। 1-2 लेयर हमारे वीडियोस की है, और 4-5 लेयर्स मेरी म्यूजिक की है, मतलब ऑडियो की है। अब मेरे पास यहाँ पर एक चांद का शॉट है और एक घड़ी का शॉट है। आप देखें कैसे ये फेड इन हो रहा है। तो इन दोनों को यूज़ करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि मेरे को इनर सर्कल जो है घड़ी का, उसके अंदर मेरे को मून को फेड इन करवाते हुए फेड आउट कर देना है, ताकि वो एक ऐसा लगे सीमलेसली मिक्स हुए दोनों शॉट्स। और मैंने सिंपली बस क्रॉस फेड यूज़ किया है, आप देख सकते हैं एकदम सेंटर में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। इस शॉट के बाद में मैंने यूज़ किया ये वाला शॉट, जिसके अंदर ये है एक टाइम लैप्स जो राइट टू लेफ्ट की तरफ बादल जा रहे हैं, और मैंने इसको मिलाया इस वाले शॉट से जिसके अंदर कैमरा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन जब आप इस दोनों शॉट्स को प्ले करेंगे और एक लंबे क्रॉस फेड के साथ में मैच करेंगे, तो आपको सीमलेस एक मूवमेंट दिखेगा जो इन दोनों शॉट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको एकदम परफेक्ट बनाता है। तो नेक्स्ट शॉट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा लाइटनिंग थंडर का, ये बिजली कड़की, और अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है। तो मैंने इस शॉट को यूज़ किया अगले वाले शॉट के लिए, तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों यूज़ किया। जी हाँ, तो जैसे ही वहाँ पे हमने देखा बिजली कड़की, एकदम एक्स्ट्रा लाइट हुई, पूरा फ्रेम लिट अप हुआ, और यहाँ पर इस घड़ी पे लाइट पड़ी और हमारी घड़ी रिवील होती है। इस शॉट को मैंने यूज़ किया था अगले शॉट के लिए, वो भी आप देखेंगे समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी स्टार्स दिख रहे हैं और यहाँ पर भी जो बोके में लाइट दिख रही है, बोके मतलब वो जो लाइट सॉफ्ट फोकस या आउट ऑफ फोकस होने के बाद में जो फैली हुई दिखती है, वो थोड़ी स्टार्स टाइप लगती हैं। तो ये शॉट थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा परफेक्टली मैच होता है। तो यहाँ पे आके दोस्तों मेरी फिल्म का क्रिसेंडो बढ़ रहा है। तो यहाँ से मुझे अब ऐसे कुछ शॉट्स चाहिए थे जिसको सुन के या जिसको देख के लगे कि हाँ, अब रिदम जो हम इतनी देर से देखते आ रहे थे उसकी रिदम बढ़ रही है। तो मैंने घड़ी के क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप्स लिए हैं टाइम लैप्स में। ये पहला फ्रंट फेस, फिर और क्लोज गया, फिर उससे और थोड़ा सा क्लोज गया, फिर हमारे टाइटन का एक और लाइट से रिविलेशन, उसके बाद में पूरी घड़ी दिखती है और फिर ब्रांड का नाम। तो दोस्तों, ये थी प्रोडक्ट फिल्म या ब्रांड फिल्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अभी आपने देखा कि मैंने एक ब्रांड फिल्म या प्रोडक्ट फिल्म को किस तरीके से एडिट किया या कैसे ट्रीट किया। जैसे कि मैंने कहा कि एडिटिंग का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ऐसे ही की जाए तो ही सही होगी, लेकिन अगर आप कोई आइडिया या थीम लेके चल रहे हैं, जैसे
मेरी प्रोडक्ट फिल्म के लिए जो मैंने थीम रखी थी वो थी रिदम, और इसको जब हम शूट कर रहे थे तो जो हमारा आइडिया था, जो हमारी थीम थी, वो ऑल थ्रू द प्रोसेस हमको ध्यान था कि हमें किस तरीके से शूट करना है। तो आपका थीम, आपका आइडिया या आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए टाइमलाइन पे आने से पहले, क्योंकि टाइमलाइन पे आने के बाद में अगर आपको लगता है कि यार कुछ एक चीज़ छूट गई है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से दरख्वास्त तो जाने से पहले दोस्तों तो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर तो जाने से दो तो जाने से दो है तो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को काला पोतिंग अन्ना माति द कलम।